ये जो विषय है ये हमारे दिल के बहुत करीब है, और जो श्रोता हैं उसमें से अगर मैं कहूँ कि ये विभिन्न मंचों पर इस पूरे विषय पर चर्चा करने वाले गंभीर अध्येता और ज़्यादातर लेखक बैठे हुए हैं, तो सचमुच में मैं जानता हूँ कि ऑडियंस बाकी ऑडियंस से बहुत भिन्न है और उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन बहुत सारे और रंग हैं, बहुत और सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम नज़रिए को समझने की कोशिश कर रहे थे और इस बाल साहित्य के इस विमर्श में बच्चों के नज़रिए को समझने की बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम आमंत्रित करेंगे आयोजकों की तरफ से कि वह हमारे अभी मंचस्थ अतिथियों को जो सत्कार की एक परंपरा है उसमें वह भेंट करेंगे टोपियां, और ये टोपियां उस मुहावरे से अलग हैं जिनमें किसी को टोपी पहनाई जाती है, बल्कि ये वो है कि जिसमें किसी को पगड़ी भेंट किया जाता है, और ये उस जमात के, उस पूरे कौम के और उस पूरे समूह की ओर से सम्मान का एक विशिष्ट प्रतीक है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कि जिनको ये कार्य संपन्न करना है वाले, और इस बीच में ये जरूर कहूंगा कि बाल साहित्य को समझना, बच्चों को समझना, उनके नजरिए को समझना, ये एक अनवरत चर्चा का विषय है। और बीच में तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यदि समय जो आवंटित हुआ था उस समय की सीमा तो समाप्त ही है, फिर भी किसी के मन में ऐसे कोई सवाल कि जो बहुत जरूरी जान पड़ते हैं, मैं समझता हूँ वो प्रश्न बहुत जल्दी से किए जा सकते हैं, क्योंकि जब सुशील जी और गुरबचन जी सामने हों तो किसी को बात करने से रोकना शायद सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई अपने सवाल रख सकता है। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बाल साहित्य को आगे किया, लेकिन ये छपती कहाँ है बाल? हम भी बाल साहित्य लिखते हैं लेकिन कहीं छपी नहीं रही, क्योंकि मैंने एक कहानी लिखी थी बेचारा डॉगी, वो ऐसा डॉगी होता है वो सबको गले लगाता है, और जब चोर आता है तो उसको भी वो दिखाता है कि ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है करके, तो उससे सब नाराज हो जाते हैं। तो मैं तो मेरे समय में तो अच्छी थी वो, पता नहीं क्या है। और दूसरा जो है एक ये है सोवियत जो लिटरेचर है वो तो गजब है। एक चूक और गेल था, और एक वो था जिसमें क्या था वो भी गजब का था, पापा जब बच्चे थे, क्या मजा आया था, क्या बढ़िया हो जाता। तो मैं सोचता हूँ कि आप अगर उनको भी वो करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बताएं कि बाल साहित्य अगर कहीं छपना है तो कहाँ मैं छपा सकता हूँ? धन्यवाद। बच्चों के साहित्य की कमी तो है, और इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। दो प्रश्न हैं मेरे, एक कि जो बच्चों के भीतर हम डर पैदा करते हैं बड़े, क्योंकि हम बच्चों से डरे हुए होते हैं, हम बच्चों से इस कदर डरे हुए होते हैं कि हम उनके ऊपर एक डर हावी कर देते हैं जिससे वो उस डर में बंधे रहें और अनुशासित रहें। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, एक गांव है, गांव में बच्चे कुछ छुट्टी का दिन है और बाहर जो है बहरा एक फल तोड़ के 10-5 बच्चे गुट में बैठे हुए हैं और उसका फल तोड़ रहे हैं और आपस में मस्ती कर रहे हैं। एक आदमी आता है, कोई अनजान होता है, वो रुकता है, बच्चों से पूछना चाहता है, जैसे ही वो रुकता है बच्चे भाग खड़े होते हैं जंगल की तरफ, एकदम से बहुत ही भयावह ये होता है। जब खैर वो पोटता है बच्चों को और बच्चे वापस आते हैं, तो कोई बताता है कि इस गांव में ये कहा जाता है कि यहाँ एक आदमी बच्चे उठा ले जाता है, इस वजह से वो बच्चे भाग गए। तो क्या
साहित्य से इस डर को हम खत्म किसी हद तक खत्म कर सकते हैं। और बच्चों पर, बच्चे तो अपनी दुनिया में अपने लेवल पर सोचते हैं, समझते हैं, क्या हम बड़ों को ऐसा कुछ प्रशिक्षित या ऐसा कुछ साहित्य लिख सकते हैं जिससे बड़े इस बात को समझ सके? अगर आप ये तय पहले से कर लें कि ऐसी रचना लिखी जाएगी जो बच्चों में डर को खत्म कर दे, तो आपको समय सोचना होगा कि क्या वो बाल साहित्य की किताब होगी। लेकिन एक ऐसी किताब है जो शायद स्कूल लेकर नहीं लिखी गई है, बहुत चर्चित हमारे देश का एक मात्र श्रेष्ठ किशोर उपन्यास है जिसका नाम ही है एक डर पांच ने डर। और वो इतना सुंदर उपन्यास है जिसमें कि पांच बच्चे एक खंडहर में जाते हैं और कुछ जो पहले से चल रहा होता है गांव में उस खंडहर के बारे में उसको, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और पूरा घटनाक्रम का बहुत ही बाल केंद्रित विवरण है एक तरह से, जिसमें कोई अतिरेक नहीं है बच्चों के बारे में। तो वो अगर आप पढ़ेंगे एक डर पांच नडर तो शायद उत्तर मिलेगा। तो मुझे ये कहना है कि मैं क्षमा चाहूंगा, क्षमा मांगने की व्यवस्था आ गई क्योंकि ये समय सीमा बीत गई। तो मैं ये कहूंगा कि तमाम लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और वो बुलबुला रहे होंगे और ये हमारी उपलब्धि है, तो कि अब आगे भी इस तरह के सत्र हम कर सकेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो भी सवाल कर रहे हो केवल सवाल एक पंक्ति में बोलेंगे, कोई अनुभव नहीं बताएंगे। सर मैं, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा लगा सर आपके जो वक्तव्य यहाँ पे सुने। एक विरोधाभास की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। स्कूली शिक्षा में अभी दो तरह की पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं, एक वो जो एनसीईआरटी से स्वीकृत हैं और दूसरा जो लोकल स्टेट लेवल पे बनती है। तो जो लोकल स्टेट लेवल पे जो पुस्तकें बनी हैं उसकी एक वर्कशॉप में मैं भी सम्मिलित था, तो एक उसमें जो मेरे अंदर जो जिसका उत्तर स्टेट से कभी नहीं मिला आज तक, वो ये था कि कहानी की रचना प्रक्रिया जिसमें हो रही थी, एक बालिका जो 12 साल की है वो अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को पीठ पे ले जाती है और पहाड़ी पे चढ़ती है। तो हालांकि हम सब जानते हैं पहाड़ों में सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस कहानी को मैं विरोध करता रहा है कि ये बाल श्रम और लिंग भेद दोनों को बढ़ावा देने वाली है, इसका होना चाहिए, लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर पाया और उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में वो आज भी चल रही है। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट में एनसीईआरटी में द विजर्ड शुड नॉट हिट मम्मी एक ऐसी कहानी है जिसमें जो बात अभी आप कह रहे थे बच्चे के दृष्टिकोण को पूरा महत्व दिया जाता है कि बच्चा कहानी पूरा करता है एक एडल्ट और एक चाइल्ड के दृष्टिकोण में किस तरह से फर्क होता है, किस तरह से दोनों की अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, इस चीज का बराबर ध्यान रखा गया। लेकिन जो स्टेट लेवल की किताबें हैं उसमें लिंग भेद बाल श्रम दुर्भाग्य से इस तरह की चीजें बरकरार हैं, तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पे आपका दृष्टि? सुशील भाई एक सवाल और जोड़ देता हूँ इसमें। ये बहुत बार ऐसा आता है बाल साहित्य में भी और बहुत सारी फिल्मों की चर्चाओं में भी आता है कि जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए और लोगों की चॉइस दी जाए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। क्या लेखक के मन में कुछ वांछित और अवांछित का डिजायरेबल होने की कोई ख्वाहिश रहती है, नहीं रहती है, कोई दिशा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या ये छोड़ दिया जाएगा कि उनका विवेक है और विवेक खुद ही वो डिजायरेबिलिटी की तरफ निकल पड़ेगा। तो चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो या साहित्य में हो, वो डिजायरेबल सोसाइटी की कुछ झलक आएगी उसमें या नहीं आएगी? मिस्टर, तो इतना सीधा सीधा एक लाइन अगर कोई एक पंक्ति आ गई है उससे पूरी रचना में लिंग भेद वगैरह वगैरह को लेकर कुछ उनको चोट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इस ये एक आध पंक्ति से तो तय नहीं होता है। मतलब तो पता नहीं कि वो पूरी कहानी कहाँ जा रही है। और शिक्षा में तो मतलब एक शिक्षक के लिए तो एक पूरी कहानी भी काफ़ी जगह होती है, उसमें बहुत स्पेस देती है बातचीत करने के लिए। जहाँ एक किताब एक कहानी बच्चे के पास सीधे जा रही है वहाँ हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जहाँ शिक्षक के हाथ में जा रही है वहाँ तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत डरना नहीं चाहिए। मुझे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं शिक्षा में। और पाठ्य पुस्तकों की
जो एक तरह से कहूँ कि उनको अपनी मतलब पढ़े बच्चों की औकात भी दिखानी चाहिए कि वो एक सीमित उसके लिए है, एक भरा पूरा संसार बाहर पड़ा है किताबों का, चीजों का, लोगों का, सीखने का, तो उस पर ज्यादा मुझे लगता है ये करना चाहिए। एक पाठ्य पुस्तक कुछ भी कर ले, मतलब दुनिया की सबसे महान किताब भी बन जाए तो वो एक ही किताब रहेगी और उसकी अपनी एक सीमा है। दूसरा जो जगमोहन जी का था, तो मैं उस बारे में बस यही कह सकता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई आप मैं बड़ा भला करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए लिखना चाहता हूँ, या मैं बच्चों की तरह सोचकर लिखना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हमारी कुंबल से बाहर की चीज है। हम किसी और की तरह सोचकर कैसे लिख सकते हैं, हम अपनी ही तरह सोचकर लिख सकते हैं जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही चीज ध्यान में शायद लेखकों के मन में भी रहती है, जो सबसे पहले खुद को ही सुनाना चाहते हैं और वही असल में तय करते हैं और वही कर भी सकते हैं। किसी और की तरफ से कि किसी को अच्छा लगेगा उसको सोचकर मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया रचना बन सकती है। एक लेखक अपने अपने को ही वश कर सकता है, वो खुद ही उसको अच्छी लग रही है, यही उसकी पूजा करने की कसौटी होती है, बाहर और कुछ होता नहीं है, क्योंकि सीमा है। आप कैसे पता चलेगा कि कौन कैसा सोचता है, कैसे पता करेंगे? और बच्चों में भी देखें तो हजारों करोड़ों बच्चे हैं, तो आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं कि किसकी तरह किसको अच्छा लगेगा ऐसा आप लिखना चाहते हैं? करोड़ों बच्चे हैं, आप किस किस को? तो ये तो बहुत ही मुश्किल मसला है। अल्टीमेटली एक लेखक खुद के प्रति ही उत्तरदायी हो सकता है, वो जो जैसा खुद चाहता वैसा।